हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने रिजोल्यूशन नाम की एक मूवी देखी और ये फिल्म सन 2013 में ऑफिशियली रिलीज हुई थी। रिजोल्यूशन एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसे जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की एक सीक्वल भी है जिसका नाम है द एंडलेस, और मेरे हिसाब से ये फिल्में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवीज में से एक है। रिजोल्यूशन को IMDb पे मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 85% फ्रेश, और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 80 out of 100। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर रिजोल्यूशन फिल्म की स्टोरी को ब्रीफली जानते हुए इसकी एंडिंग से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर चर्चा करेंगे। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको गरीबो का फिल्म मेकर यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आप में से कई लोग मुझसे बार बार मेल्स और इंस्टा DM में एडिटिंग ट्रिक्स, टिप्स और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गरीबो का फिल्म मेकर चैनल के होस्ट नील को मैं 2017 से जानता हूं और हमने अपनी चैनल्स आसपास ही शुरू करी थी। मैं तब से नील के कांटेक्ट में हूं और उन्होंने एक शॉर्ट हॉरर मूवी भी बनाई थी। उनके चैनल की एडिटिंग टिप्स और ट्रिक्स को देखकर ही मैंने काफ़ी कुछ सीखा और वहां मुझे शॉर्ट फिल्म्स, एक्शन सीक्वेंसेस इत्यादि वगैरह को शूट करने का तरीका पता चला। डजंट मैटर कि आप फ़ोन पे एडिट कर रहे हैं या लैपटॉप पे, गरीबो का फिल्म मेकर यूट्यूब चैनल पे आपको काइन मास्टर से लेकर प्रीमियर प्रो तक की प्रॉपर एडिटिंग ट्यूटोरियल मिल जाएगी। और अगर आप उनमें से एक है जिन्हें यूट्यूबर बनना है, या फिर अगर आपकी फिल्म मेकिंग में रुचि है, तो आप नील भाई की गरीबों का फिल्म मेकर चैनल को जरूर चेक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, रिजोल्यूशन एक ऐसी मूवी है जहां घटित घटनाएं आपको थोड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन उन सारी घटनाओं की एक्सप्लेनेशन आपको इस फिल्म की सीक्वल द एंडलेस में मिल जाएगी। द एंडलेस मूवी के बारे में बातें करने से पहले आपको रिजोल्यूशन मूवी की कहानी जाननी पड़ेगी ताकि आप वहां की स्टोरी को क्लियर समझ सकें। तो फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक बंदे को देख पाते हैं जो अपने लैपटॉप पे एक वीडियो देख रहा होता है। इस आदमी का नाम माइक था और वो इस वीडियो में अपने ड्रग एडिक्ट बेस्ट फ्रेंड क्रिस की अजीब हरकतों को देखता है। वीडियो को बंद करने के बाद माइक को एक डिजिटल मैप दिखती है जो कि उसके फ्रेंड की लोकेशन बता रही थी। माइक का मानना था कि ये वीडियो और मैप उसे क्रिस ने भेजा है और माइक अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद करना चाहता था। माइक की वाइफ उसे उसके दोस्त क्रिस की मदद करने को जाने से रोकती है, पर माइक अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और वो अगले ही दिन क्रिस के पास पहुँच जाता है। क्रिस किसी जंगल के एक केबिन में रहता था और जब माइक उसके पास पहुंचता है तो माइक देखता है कि क्रिस हवा में ही गोलियां चला रहा था। माइक क्रिस को बताता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और ये सुन के क्रिस गोली चलाना बंद करता है। असल में दोस्तों, क्रिस ड्रग्स के कारण इतना बीमार था कि वो हैलुसिनेट कर रहा था और उसे चारों तरफ बर्ड्स दिख रहे थे जिसकी वजह से वो गोली चला रहा था। खैर, केविन के अंदर माइक क्रिस से रिहैब जाने की बातें करता है और क्रिस एकदम से मना कर देता है। अब क्रिस की ड्रग्स की आदत छुड़वाने के लिए माइक क्रिस को टेजर गन से स्टन कर देता है और वो क्रिस को एक हथकड़ी से विंडो के पास बांध देता है। माइक क्रिस से कहता है कि वो क्रिस को एक वीक के लिए ड्रग्स से क्लीन रखना चाहता है ताकि क्रिस अपने होश में आ जाए और रिहैब जाने के लिए रेडी हो जाए। इसके बाद माइक ग्रोसरीज वगैरह लाने के लिए जाता है और जब माइक केबिन में वापस आता है तो क्रिस एक टूथब्रश से अपनी हथकड़ी को काटने की कोशिश कर रहा था। क्रिस माइक को हर तरह से पर्सुएड करने की कोशिश करता है ताकि माइक उसे ड्रग्स दे दे, पर माइक अपने दोस्त को ठीक करने की ठान चुका था। तो इसके अगले सीन में हम व्यूअर्स माइका और बिली नामक बंदों को क्रिस के केबिन के पास देख पाते हैं जो कि अपना ड्रग्स क्रिस से वापस लेने आए थे, पर माइक उन्हें अंदर आने नहीं देता। क्रिस माइक को वार्न करता है कि उसे बिली और माइका से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो दोनों ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माइक केबिन से बाहर एक वॉक लेने निकलता है और उसे जंगलों में कुछ लोग मिलते हैं जो काफ़ी अजीब होते हैं, और वो लोग किसी सेलेस्टियल मसीहा की पूजा करते थे। इन लोगों के नाम थे जस्टिन, एरन एंड डेविड। और दोस्तों, आप इस सीन को ठीक से याद रखिएगा क्योंकि ये सीन अभी तो नहीं बल्कि इस फिल्म की सीक्वल द एंडलेस के एक्सप्लेनेशन के टाइम काफ़ी काम आने वाली है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि इस सीन में दिखने वाले जस्टिन और एरन ही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं।
एनीवेज माइक वॉक के बाद केविन के पास वापस आता है जहां उसे कुछ अजीब सी तस्वीरें मिलती हैं विच मेड नो सेंस। इसी बीच बिली और माइका फिर से क्रिस से मिलने आते हैं, लेकिन तभी वहां एक चार्ल्स नाम का बंदा अपने दोस्त के साथ आता है जिसे देखकर बिली और माइका भाग जाते हैं। असल में चार्ल्स एक ट्राइबल सिक्योरिटी गार्ड था जो कि माइक को बताता है कि वो लोग एक इंडियन रिजर्वेशन लैंड में हैं और वो केबिन उसकी प्रॉपर्टी है। माइक चार्ल्स से उस केबिन में 5 दिन रहने की परमिशन मांगता है और इसके बदले चार्ल्स को कुछ पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। उसी रात जब माइक और क्रिस केबिन में सो रहे होते हैं तो उन्हें विंडो के पास कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं जिससे माइक की नींद खुल जाती है। माइक देखता है कि विंडो के पास एक अजीब सी लड़की थी और उस लड़की को देखकर माइक काफ़ी डर जाता है। क्रिस माइक से कहता है कि इस केबिन के पास एक मेंटल असाइलम है जहां से लोग कई बार भाग आते हैं, तो शायद वो लड़की वहीं से होगी। खैर अगले दिन केबिन के पास माइक को कुछ और अजीब फिल्म फुटेज मिलती है और तब माइक क्रिस से पूछता है कि ये सब कहां से आ रहे हैं। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान माइक क्रिस से कहता है कि वो क्रिस की भेजी हुई वीडियो को देख कर यहां आया है, लेकिन क्रिस का कहना था कि उसने कोई वीडियो या मैप माइक को नहीं भेजी थी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के बिगिनिंग में माइक जिस वीडियो को देख रहा था वो उसे क्रिस ने नहीं भेजी थी, एंड दिस वॉज वेरी वियर्ड बिकॉज माइक को ये सब और कौन ही भेजेगा। केविन के आसपास छानबीन करने पे माइक को एक बुक मिलती है जिसमें अजीबो गरीब कैंप फायर स्टोरीज लिखी हुई थी और माइक इस बुक को लेकर पास वाली लाइब्रेरी में रख देता है। लाइब्रेरी में माइक को कुछ और फिल्म स्लाइड्स मिलती हैं जिससे माइक काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि कोई जानबूझकर ये टेप्स और वीडियोज उसे भेज रहा है। केविन में क्रिस माइक की इन बातों को इग्नोर करता है और वो कहता है कि शायद बिली और माइका उनके साथ प्रैंक्स कर रहे हैं। अब माइक को केविन के पास ऐसी कई और वीडियोस, फोटोग्राफ्स एंड टेप्स मिलते हैं विच मेड नो सेंस टू हिम, एंड माइक हैज़ नो आइडिया कि ये सब कहां से आ रहे हैं। इसके अलावा क्रिस की एक खोई हुई नाइफ एक दिन अचानक केविन में अपने आप ही वापस आ जाती है और केविन के दीवारों पे अजीब आकृतियां बनी हुई थी। माइक ने इन आकृतियों को केविन के पास वाले केव पर भी देख रखा था। माइक चार्ल्स से इस जगह की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है और चार्ल्स माइक को एक चेतावनी देता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। चार्ल्स ये भी बताता है कि वो जगह कुछ फ्रेंच स्टूडेंट्स अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे थे, तो हो सकता है कि उन चीज़ों को वही स्टूडेंट्स छोड़ गए होंगे। जब माइक वापस क्रिस के केबिन में पहुंचता है तो वहां उसे एक फ्रॉड मिलता है जो कि उस केबिन को खरीदना चाहता था, पर माइक उसे बताता है कि वो केबिन उनका नहीं है और वो सिर्फ यहां रेंट पे ठहरे हैं। एनीवेज माइक फिर से क्रिस के ईमेल एड्रेस से आए हुए उस वीडियो को देखता है और वो नोटिस करता है कि अब वीडियो चेंज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस नई वीडियो में माइक और क्रिस की करंट बातों की एक छोटी सी क्लिप है। इसी बीच माइका और बिली वहाँ पे आते हैं और वो दोनों क्रिस के द्वारा अडॉप्ट की गई एक डॉग को मार देते हैं। उस डॉग का नाम सेरा था और उसकी मौत पे क्रिस इतना दुखी होता है कि उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। माइक सेरा को बरी करता है और उसके कॉलर पे लिखे एड्रेस पे जाने के लिए निकलता है क्योंकि सेरा किसी और की डॉग थी जो कि भटक कर क्रिस के पास आ गई थी। जब माइक उस एड्रेस पे पहुंचता है तो उसे वहाँ एक आर्कियोलॉजिस्ट मिलता है जिसका नाम बायरन था और बायरन एक ट्रेलर में लगभग 30 साल से रह रहा था। बायरन माइक को थैंक्स कहता है क्योंकि माइक ने उसके डॉग की खबर उसे दी थी और एज ए टोकन ऑफ थैंक्स बायरन माइक को चाय पे अपने केबिन के अंदर इनवाइट करता है। बायरन भी काफ़ी ड्रग्स लेता था और ये ड्रग्स एक वियर्ड रेड फ्लावर थी और माइक ने ऐसी चीज़ कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखी थी। खैर बायरन माइक से कहता है कि वो एक फ्रेंच रिसर्च टीम का हिस्सा था जिसमें 2 और स्टूडेंट्स थे, पर वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और वो दोनों एक दिन अचानक से गायब हो गए। बायरन माइक से ये भी कहता है कि ये जगह अजीब है क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है कि इस जगह पे भूत एलियंस वगैरह हैं, पर बायरन का मानना है कि यहाँ कोई ऐसी एंटिटी है जो कि इंसानों से स्टोरीज चाहती है, स्टोरीज जिसमें एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड हो। माइक बायरन की इन अजीब बातों से घबरा जाता है और वो फौरन यहाँ से निकल जाता है। जब माइक क्रिस के केबिन में वापस आता है तो वहाँ रखे एक प्रोजेक्टर पर अपने आप ही वीडियोस चलने लगती है जिनमें माइक और क्रिस की डेथ की क्लिप्स प्ले होती है। इसी दौरान माइक का लैपटॉप भी अपने आप चलने लगता है और उस पर माइक और क्रिस की करंट सिचुएशन की लाइव रिकॉर्डिंग प्ले हो रही होती है विच स्केयर्स माइक एंड क्रिस। ये रिकॉर्डिंग अब फास्ट फॉरवर्ड होकर फ्यूचर दिखाती है जिसमें माइक और क्रिस की मौत बिली और माइका के द्वारा होने वाली थी और उस क्लिप को देखकर ये दोनों केबिन से बाहर चले जाते हैं।
क्रिस और माइक क्रिस की ट्रक के पास पहुंचते हैं जहां क्रिस को वो ड्रग्स मिलते हैं जिसे उसने बिली और माइका से लिया था। एंड दिस वाज क्वाइट वियर्ड क्योंकि ये ड्रग्स क्रिस ने खो दिया था। माइक इन ड्रग्स को केविन में रख देता है और ये दोनों दोस्त क्रिस के ट्रक पे सवार होते हैं टू गो अवे फ्रॉम देयर। तभी क्रिस के ट्रक में उन्हें एक सीडी मिलती है जिसे प्ले करने पे दोनों दोस्त रियलाइज करते हैं कि चार्ल्स भी उन्हें मारने वाला है। तो इसके बाद क्रिस और माइक ट्रक से निकल जाते हैं और वो केविन के पास एक अंडरग्राउंड स्टोन केव में पहुंचते हैं जिसके अंदर माइक को एक फिल्म स्ट्रिप मिलती है। इसी दौरान क्रिस माइक को कहता है कि वो रिहैब जाने के लिए रेडी है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों माइक का कहना था कि ये जो भी सुपरनैचुरल चीज़ें हैं इसे वो अपनी वाइफ के पास नहीं ले जाना चाहता बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट। माइक इस सुपरनैचुरल एंटिटी को खुश करना चाहता था ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। और इस फिल्म स्ट्रिप्स को देखकर माइक कहता है कि उन्हें केविन के पास जाना चाहिए क्योंकि फिल्म स्ट्रिप्स में वो दोनों केविन के पास ही दिख रहे थे। क्रिस और माइक केविन के पास रखे ब्रोकन व्हीकल्स के पीछे छुप जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ बिली और माइका दिखते हैं जो कि केविन में घुसते हैं। केविन में बिली और माइका को क्रिस और माइक तो नहीं मिलते पर उन्हें उनकी ड्रग्स मिल जाती है एंड दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स। तभी चार्ल्स भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ गन्स के साथ आता है और वो बिली और माइका को शूट करके केविन को आग लगा देता है। चार्ल्स और उसके दोस्तों के जाने के बाद क्रिस माइक से कहता है कि वो थक चुका है और वो अब रिहैब जाना चाहता है और दोनों दोस्त समझते हैं कि उन्हें एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। पर तभी आसमान में उन्हें एक एंटिटी दिखती है जो कि बहुत गुस्से में थी। क्रिस उस एंटिटी से माफ़ी मांगते हुए उसके सामने झुक जाता है और माइक उस एंटिटी से पूछता है कि कैन वी ट्राई इट अनदर वे। इसके जवाब में वो एंटिटी ज़ोरों से आवाज़ करती है और ये फिल्म वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रिजोल्यूशन मूवी की कहानी और अब मैं आप सभी को इस मूवी की कुछ थियरीज के बारे में बताऊंगा। तो इस मूवी में जो सुपरनैचुरल एंटिटी है ये लोगों को फोटोज वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स भेजकर उनसे कम्युनिकेट करती है। फिल्म में माइक को जो वीडियो क्रिस के ईमेल एड्रेस से आया था वो उसे इसी एंटिटी ने भेजी थी क्योंकि द एंटिटी वॉन्टेड टू ल्योर माइक इन टू इट्स ट्रैप। ये एंटिटी लोगों को उनका फ्यूचर दिखाकर ये देखना चाहता है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। मूवी में माइक इस थ्योरी को समझ जाता है जिससे वो बिली माइका और चार्ल्स से बच जाता है। इसके अलावा मूवी में जब बायरन कहता है कि वो इस जगह में 30 साल से है और उसने यहाँ इनफाइनाइट स्टोरीज देखी है विथ ए बिगनिंग मिडिल एंड एंड तो वो टाइम लूप्स के बारे में सजेस्ट कर रहा था। जब क्रिस और माइक बिली माइका और चार्ल्स से बच जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई है लेकिन ये एंटिटी इससे खुश नहीं होता है और एंड सीन में जब वो क्रिस और माइक के सामने आता है तो क्रिस उस एंटिटी के सामने घुटने टेक देता है और माइक एंटिटी से पूछता है इफ दे कैन ट्राई इट एनी अदर वे। ये डायलॉग्स एक टाइम लूप की तरफ हिंट करती है जिसमें शायद ये एंटिटी उन्हें एक और मौका देगी ताकि वो अपने स्टोरी को एक डिफरेंट तरह से प्ले करेंगे एंड दिस सजेस्ट्स कि माइक और क्रिस उस एंटिटी के टाइम लूप में फंस गए हैं। दोस्तों ये मूवी एक मेटा मूवी यानी कि अ मूवी विद इन अ मूवी की तरह क्रिएट की गई है जिसमें माइक और क्रिस की कहानी एक बड़े से टाइम लूप का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है यानी कि हम व्यूअर्स उस एंटिटी के क्रिएट किए गए एक बड़े से लूप की एक शॉर्ट वीडियो को मूवी के माध्यम से देख पा रहे हैं जिसमें क्रिस और माइक की कहानी बताई गई है। अब मैं यहाँ आपको इस मूवी की सीक्वल द एंडलेस के बारे में कुछ हिंट देना चाहता हूँ जिसमें हमें इस एंटिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। मोरओवर द एंडलेस इस मूवी से बहुत ही बेहतर फिल्म है और उसे मैं वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक मानता हूं क्योंकि वहां कई टाइम लूप्स है जिससे हम क्लियरली समझ पाएंगे कि यहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पे द एंडलेस की एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूं और उस एक्सप्लेनेशन में भर भर के थियरीज होने वाली है। वो वीडियो तो शायद 30 मिनट से भी ज़्यादा लंबी होगी और अगर आप उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को ज़रूर दबा दीजिएगा। फाइनली इस मूवी का नाम रिजोल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये एंटिटी लोगों को विजुअल क्यूज भेज के देखना चाहती है कि लोग उनके फ्यूचर को जानने के बाद क्या डिसीजन लेंगे एंड रिजोल्यूशन मीन्स अ डिसीजन विदाउट डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज ऑन द मूवी रिजोल्यूशन एंड आई होप कि आपको ये थियरीज पसंद आई होंगी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि
आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। और हाँ, जाने से पहले आप नील भाई की गरीबों का फिल्म मेकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको एडिटिंग और फिल्म मेकिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास इस मूवी से रिलेटेड कुछ और एडिशनल डिटेल्स हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।